तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें टॉप करवा दूंगा। सहेली के साथ मेरे कमरे में आ जाओ, जो मैं चाहता हूँ करो। तुमसे पहले भी बहुत सारी लड़कियों ने मेरी बात मानी, मैंने उनकी जिंदगी संवार दी। तुम भी मानो, नहीं तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, फेल कर दूंगा तुमको। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि राम राज्य के गोरखपुर की कहानी है। जिस गोरखपुर को सीएम सिटी कहा जाता है, उसी गोरखपुर विश्वविद्यालय की कहानी है। कथित रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर ने छात्रा से क्या क्या कहा, क्या कुछ करता था और ये सब कुछ करने का हौसला कहाँ से मिलता था, पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। अपने परिवार की बिटिया का ख्याल मन में रखते हुए पूरा घटनाक्रम सुनते जाइए और राम राज्य के स्थापित होने पर ताली बजाते जाइए। एक और बात, ये तो एक यूनिवर्सिटी का मामला है, इससे भी ज्यादा गंभीर तथा चौंकाने वाली बात जी न्यूज के स्टूडियो से निकल कर आई है। जी हाँ, महिला पत्रकार हैं जीनत सिद्दीकी, इनके साथ जी न्यूज के ऑफिस में जो कुछ हुआ है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस लेवल पर महिला पत्रकार के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। और घटना की शिकायत करने पर जीनत के साथ कथित रूप से जो किया गया वो सब विश्व गुरु के विकसित होने का प्रमाण समझ लीजिएगा। और ये भी पता लगाइएगा कि गोदी मीडिया के कितने चैनलों ने इस खबर को दिखाया है, कितनों ने इसके लिए आवाज उठाई है। इन दो घटनाओं पर विस्तार से बात करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। और सबसे पहले बात गोरखपुर की कर लेते हैं, क्योंकि यह सीएम सिटी है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान आपने पोस्टर तो देखा ही होगा, नंबर वन उत्तर प्रदेश, यूपी नंबर वन, और वो तो पुराना हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए भाषण दे रहे थे कि यूपी में कहीं किसी जगह पर कोई सोहदा यदि किसी बिटिया के साथ छेड़खानी करता है तो अगले चौराहे पर पहुंचते पहुंचते यमराज मिल जाता है, उसका राम नाम सत्य हो जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री का यह दावा पूरी तरह से हवाबाजी ही नजर आता है, क्योंकि वैसे तो आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन एक चर्चित घटना वाराणसी में हुई थी, वहां सोहदों को कोई चौराहा नहीं मिला। बीजेपी आईटी सेल के गुर्गों ने एक छात्रा के साथ छेड़खानी की थी, गन पॉइंट पर उसके कपड़े उतरवाए थे, वहां पर सोहदों को कोई चौराहा नहीं मिला। वाराणसी में कोई चौराहा ही नहीं मिला, ना तो यमराज मिला और ना ही राम नाम सत्य योजना के तहत उनको कोई लाभ मिला। लोग कहते हैं कि आईआईटी छिबीएचयू की छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले वो तीनों गुर्गे भाजपा के लड़के थे, भाजपा आईटी सेल के लिए काम करते थे, तो फिर अपनों को सजा कौन देता है भाई। अब जरा गोरखपुर विश्वविद्यालय की खबर देख लीजिए, यहां एक छात्रा ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि प्रोफेसर अक्सर गंदी बातें किया करते थे, किसी न किसी बहाने अपने कमरे में बुलाकर छेड़खानी करते थे, बात न मानने पर करियर बर्बाद करने की धमकी देते थे। साथ ही ये भी कहते थे कि तुमसे पहले कई छात्राओं ने मेरे मन मुताबिक काम किया था तो उनको बहुत ही अच्छे नंबर मिले, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी मैंने खूब अच्छा नंबर दिलवाया, उनका करियर संवार दिया था। प्रोफेसर कहा करते थे कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मेरी बात मान लो, मेरी बात मानोगी तो तुम्हारे लिए कुछ अलग ही कर दूंगा, अलग लेवल पर करूंगा, और यदि नहीं मानोगी तो पूरा करियर बर्बाद कर दूंगा। पीड़ित छात्रा का कहना है कि वो किसी तरह से प्रोफेसर से बचकर भागती फिरती थी। पिछले साल यानी दिसंबर महीने में 21-22 दिसंबर की रात में असिस्टेंट प्रोफेसर ने मोबाइल पर फोन किया, छात्रा ने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद प्रोफेसर ने दूसरे नंबर से फोन किया। विश्वगुरु के प्रोफेसर साहब नशे में टुन्न थे, फिर से वही बात मानने और जिंदगी संवारने वाली बात कहने लगे, धमकाने लगे कि जिसने मुझे मना किया उसका जीवन बर्बाद हो गया, तुम भी अपनी सहेली के साथ मुझसे मिलो और जो मैं चाहता हूं वो करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर के फोन कॉल की रिकॉर्डिंग छात्रा ने कर ली, जो कि सबूत के तौर पर उसके पास उपलब्ध है। इस बातचीत में प्रोफेसर ने पूर्व में शिकार बनाई गई कई छात्राओं का नाम भी लिया है। इस छात्रा ने यह भी बताया कि फोन वाली घटना के दूसरे दिन जब वो अपनी सहेली के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के कमरे में गई तो उन्होंने छेड़खानी शुरू कर दी, विरोध करने पर फिर से वही धमकी देने लगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि हमने शिकायत पत्र प्राप्त किया है, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं, आंतरिक शिकायत कमेटी को मामला सौंप दिया गया है। छात्रा ने इस छेड़खानी की शिकायत राजभवन से लेकर महिला आयोग तथा कुलपति तक कर दी है। बाकी उत्तर प्रदेश में महिलाएं एकदम सुरक्षित हैं, यकीन ना हो तो गृहमंत्री अमित शाह का 2022 वाला चुनावी भाषण याद कर लीजिए, सुन लीजिए फिर से। उन्होंने कहा था कि रात के 12 बजे यूपी की सड़कों पर 16 साल की लड़की गहनों से लदी हुई अकेले घूम सकती है। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह दूरबीन लेकर यूपी में अपराधी भी ढूंढते हैं, यूपी में अपराधी मिलता ही नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि यूपी में कोई अपराधी बचा ही नहीं है, सब या तो यूपी छोड़कर जा चुके हैं या फिर सब कुछ छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन बनारस से लेकर गोरखपुर तक की घटनाओं को
देखकर ऐसा लगता है कि अपराधियों ने या तो एक खास पार्टी ज्वाइन कर ली है, आईटी सेल में काम करने लगे हैं, या फिर कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। वैसे भी जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाले विश्वविद्यालय की घटना पर कोई त्वरित और मजबूत कार्रवाई नहीं देखने को मिली, कम से कम बुलडोजरवा तो नहीं मिला और गिरफ्तारी भी जानबूझकर लगभग 2 महीने बाद की गई, तो सीएम के शहर में हुई इस घटना पर कितनी कार्रवाई हो जाएगी ये तो वक्त बताएगा। आइए अब जरा इससे भी बड़ी और जघन्य घटना पर नजर डालिए। हालांकि इस तरह की घटनाओं को कभी भी छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन घटना किस स्थान पर हो रही है इसकी तुलना तो की ही जा सकती है। पिछले 10 साल से देशभक्ति और राष्ट्रवाद में डूबा गोदी मीडिया अपनी महिला कर्मचारियों को भी न्याय नहीं दिला सकता, उनकी आवाज नहीं उठा सकता, और आवाज उठाना तो बहुत दूर की बात है, जबरिया आवाज दबा देने के आरोप सामने आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है जी न्यूज की महिला पत्रकार जीनत सिद्दीकी। इनके साथ जो घटना हुई है उसे जरा ध्यान से सुनिए और कल्पना करिए कि यदि इस देश में महिला पत्रकार जी न्यूज जैसे बड़े नामचीन संस्थान में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारी आपके घर की बच्चियों के साथ क्या क्या हो सकता है। दरअसल कार्यस्थल पर छेड़खानी की शिकायत जीनत सिद्दीकी ने की थी, लेकिन कहां तो इनकी शिकायत पर जांच होती, इन्हें न्याय दिलाने की बात होती, उल्टे इन्हें नौकरी से लात मार के बाहर कर दिया गया। और नौकरी से निकालने के साथ साथ जीनत सिद्दीकी के साथ जैसा बर्ताव किया गया है और किस तरीके से कथित रूप से उन्हें घंटों तक प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया, उसको जरा जीनत की ही भाषा में सुनते जाइए और कल्पना करते जाइए कि जी न्यूज की एक महिला पत्रकार अपने ही कार्यालय में कैसी कैसी मानसिक परिस्थितियों को झेला है। ट्विटर पर जीनत ने जो लिखा है मैं उसको शब्दशः पढ़ रहा हूं, सुनते जाइए। ये मेरा अनलॉफुल टर्मिनेशन ऑर्डर है जिसे मैं बिना किसी शर्म के आप लोगों के सामने रख रही हूं। अब ये जानिए कि ये टर्मिनेशन लेटर यानी मुझे नौकरी से निकालने का लेटर कैसे मुझे दिया गया। मैं रोज की तरह ऑफिस गई दिन शनिवार, जिस दिन 70% स्टाफ HR डिपार्टमेंट ऑफिस नहीं आता। सुबह के 10:20 पर मेरी घेराबंदी कर जबरदस्ती एक मीटिंग में ले जाया गया। मेरा सारा सामान, बैग, मोबाइल, सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया गया था। मुझे एक कमरे में बंधक बना लिया गया था। न वॉशरूम जाने की इजाजत थी, न अपने माँ से भी फोन पर बात करने की। घेरेबंदी ऐसी कि कभी महिला गार्ड दिखती तो कभी मेरे पास से मुस्कुराकर कोई व्यक्ति निकल जाता। दहशत के मारे मैं वापस जाने की जिद करने लगी। मुझे चाय दी गई, मैंने नहीं पी। मुझे महिला गार्ड कहती है कि अरे मैडम पी लीजिए, कुछ मिलाया नहीं है, मैं पी कर दिखाऊं क्या। मैंने कहा दीदी आप ही पी लीजिए, मैं नहीं पीऊंगी। पूछा गया कि क्यों नहीं पियोगी, पीना पड़ेगा। मैंने कहा कि मुझे नहीं पीना तो नहीं पीना। काफी देर बाद फिर बिस्किट लाए गए। कहा गया अरे सर ने भेजा है, मैडम बिस्कुट खा लो। मेरी धड़कनें तेज होने लगी, मैं रोने लगी। फिर अमित बंसल नाम का एक व्यक्ति आता है, मुझसे जितनी बदतमीजी से बात कर सकता था उसने की। डराया, धमकाया, चिल्लाया, अपना रौब दिखाया, नौकरी से निकाल देने की धमकी दी। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की बहुत शिकायतों को निपटाने का दावा किया। ध्यान रखिए इस महिला पत्रकार ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था जिसकी वजह से इसे प्रताड़ित किया जा रहा था कथित रूप से, और जो आदमी धमका रहा था वो ये कह रहा था कि इस तरह के बहुत सारे मामले मैंने निपटाए हैं। आगे ये लिखती हैं कि मेरी कुर्सी के आसपास घूमना चिल्लाना सब कुछ हो रहा था। मैंने मीटिंग का एजेंडा पूछा लेकिन नहीं बताया गया। मैंने उससे उसका नाम पूछा फिर भी नहीं बताया। ICC ने कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई, जांच के नाम पर कैसे एक तरफा कार्रवाई की सब बताया। मुझसे जांच के नाम पर कैसे मिसोजिनिस्ट सवाल किए कमेटी ने वो भी बताया, नहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर जबरन मुझसे रेजिग्नेशन पर साइन कराने की कोशिश हुई, मैंने साइन नहीं किए और वहां से जाने के लिए उठी तो मुझे जबरन रोकते हुए बोले कि तुम नहीं जा सकती, इसे टर्मिनेट करो। जानलेवा तरीके से मुझे बंधक बनाया हुआ था। मैं जाने के लिए फिर खड़ी हुई तो महिला गार्ड्स ने घेरा। मैं जैसे तैसे उस कमरे से बाहर निकली, अपने बैग की तरफ जा रही थी। मेरे सामान के साथ छेड़खानी की गई, मैं बेसुध पहले खड़ी रही और अचानक कांपते हुए बैठ गई। एक महिला गार्ड ने मुझे छुआ, बोली मैडम आपका शरीर ठंडा पड़ चुका है। दूसरी महिला गार्ड कहती है आई कार्ड दीजिए। इस दहशत भरे माहौल में मेरे पीरियड शुरू हो चुके थे मगर मेरी हालत कुछ बोलने की नहीं थी। मैं फफक फफक कर रोने लगी और थोड़ी देर बाद सब घेर कर मुझे नीचे लाए। एक व्यक्ति पहले से लिफ्ट के पास लिफ्ट रोके खड़ा था। मैं जैसे जैसे नीचे आई फिर बैठ गई। मेरा शरीर हरकत नहीं कर पा रहा था, मुझे एक एक सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। एक महिला गार्ड को शायद मुझ पर दया आई, उन्होंने मेरा हाथ मला। इस पूरे घटनाक्रम में अमित बंसल नाम मेरे आसपास घूमता रहा। मैं थोड़ी सामान्य हुई तो जैसे तैसे सबकी घेरेबंदी में ही ऑफिस से बाहर निकली और गुप्ता चौक के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई। सोचिए जो हो रहा था वो मेरे परिवार को या मेरे किसी परिचित तक को पता नहीं था कि मैं
मैं किसी मीटिंग में हूँ या क्या होने वाला है मेरे साथ। मैंने बहुत कम में बताने की कोशिश की है। ये सब 2 घंटे तक चलता रहा। जैसे तैसे मैं घर पहुंची। पहले से HR हेड पूजा दुग्गल के साइन से तैयार टर्मिनेशन ऑर्डर मेरे निजी ईमेल पर भेजा जा चुका था। ये सब इसलिए किया गया ताकि आदतन लड़कियों को तंग करने वाले रमेश चंद्रा को बचाया जा सके। यानी एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश चंद्रा, उसको बचाने के लिए, जिसकी आदत है हमेशा लड़कियों के साथ छेड़खानी करने की कथित रूप से, उसको बचाने के लिए इस महिला पत्रकार के साथ ये सब कुछ किया जा रहा था। आगे ये लिखती हैं कि 2019 में भी इसको बचाया गया था और पीड़िता को ही तरह तरह से यातनाएं देकर टर्मिनेट कर दिया गया। मैं सोमवार को फिर ऑफिस गई HR हेड पूजा दुग्गल से मिलने और अपना निजी सामान लेने। कोई सहयोग नहीं मिला। मैंने 112 पर कॉल किया और फिर लिखित में थाने में जाकर शिकायत भी दी। 5 फरवरी से अब तक FIR नहीं हुई है। सोचिए जी न्यूज का दबाव कितना ज्यादा होगा पुलिस महकमे पर। अकूत संपत्ति और साम्राज्य के आगे मैं कहीं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। आप लोगों के सहयोग के बिना मेरी मदद कीजिए। नोएडा पुलिस FIR दर्ज करो आरोपियों के खिलाफ। अब आप सोच कर देखिए, जी न्यूज में काम करने वाली एक महिला पत्रकार थाने में शिकायत कर देती है, फिर भी FIR दर्ज नहीं होती। आम जनता से मदद की गुहार लगा रही है, देश भर से मदद की गुहार लगा रही है। सवाल यह है कि इस देश में बेटियां कहां पर सुरक्षित हैं? पिछले साल का पूरा घटनाक्रम याद करिए। देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया, तिरंगे को बुलंद किया, उन्होंने जब यौन शोषण का आरोप लगाया तो ये गोदी मीडिया और पूरा का पूरा भाजपा सिस्टम पहलवान बेटियों के खिलाफ खड़ा हो गया था। एक भाजपा ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए, एक FIR दर्ज कराने के लिए भी पहलवान बेटियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। वैसे देखने वाली बात यह भी है कि जब पहलवान बेटियां अपनी इज्जत के लिए लड़ाई लड़ रही थीं, तब गोडी मीडिया के जी ग्रुप के तमाम पत्रकार, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो देश की पहलवान बेटियों के लिए क्या बोल रहे थे? क्या वो उनके हक की मांग कर रहे थे? क्या देश की पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे? ये वक्त याद दिलाने का तो नहीं है, मगर फिर भी याद दिला देता हूं। जीनत सिद्दीकी के भी ट्विटर हैंडल से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह चेक किया जाना चाहिए कि पहलवान बेटियों की इज्जत के लिए इन्होंने कितनी बार आवाज उठाई। यदि उठाई होगी तो अच्छी बात है, यदि उनका विरोध किया होगा और गोदी मीडिया के सुर में सुर मिलाया होगा तो फिर आज वो किन लोगों से मदद की गुहार लगा रही हैं। मैं लगातार कहता हूं, सबका नंबर आएगा, आज नहीं तो कल सब लपेटे जाएंगे। आज जो परेशान है, जो पीड़ित है, उसके साथ यदि खड़े नहीं हुए तो कल को आप भी पीड़ित होंगे। आपके साथ भी कोई खड़े होने वाला नहीं मिलेगा। मगर इन चीजों पर ध्यान दिए बगैर जीनत सिद्दीकी के मामले में जांच होनी चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि गोदी मीडिया में कई बड़े नाम और बड़े चेहरे वाली महिला एंकराएं भी हैं। क्या महिला होने के नाते वो सब जीनत के साथ खड़ी होंगी? 2000 के नोट में नैनोचिप ढूंढने वाली श्वेता सिंह, जो आए दिन भगवानों का घर ढूंढती हैं, क्या वो जीनत का घर ढूंढते हुए उन्हें दिलासा देने जाएंगी? दिन रात मोदी चालीसा गाने वाली अंजना ओम कश्यप क्या जीनत के लिए आवाज उठाएंगी? और इन सबसे बढ़ के रूबिका लियाकत, उनके पास तो महिला होने के अलावा एक और कारण है जीनत के लिए खड़ा होने का, क्या वो कहेंगी या अल्लाह भगवान जीनत की मदद करे? सोच कर देखिए, जिस देश में सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठी हो, उस देश में महिलाएं न तो यूनिवर्सिटी के भीतर सुरक्षित हैं, न यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षित हैं, न मीडिया के बड़े बड़े संस्थानों में सुरक्षित हैं, न खेल के मैदानों में सुरक्षित हैं, न खेत में सुरक्षित हैं, न घर में सुरक्षित हैं। मगर फिर भी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर महिलाओं की बड़ी फौज है। दिन का घंटों का वक्त महिलाएं सोशल मीडिया पर बिताती हैं। मगर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, महिलाओं में बहुत ही कम प्रतिशत ऐसी महिलाओं का है जो महिला अधिकारों की बात करती हूं, कभी सोशल मीडिया पर उसके बारे में लिखती हूं, जो इस तरह से पीड़ित महिलाओं के हक की आवाज उठाती हूं, उनके साथ खड़ी होती हूं। दुनिया के महानतम दार्शनिकों में से एक रजनीश ओशो कहा करते थे कि इस देश की महिलाओं ने गुलामी स्वीकार ली है, पिछलग्गू बनकर जीना सीख लिया है। उन्हें लगता है कि कोई थाली में सजाकर उनके हक और अधिकार उन्हें लाकर परोस देगा। हक मांगने, छीनने और उसके लिए लड़ना तो बहुत दूर की बात है, हिंदुस्तान की महिलाओं ने सोचना तक छोड़ दिया है। वो तो भला हो डॉक्टर अंबेडकर का, जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, वरना आज स्थिति और ज्यादा खराब होती। आज जब तमाम राजनीतिक दलों को महिलाओं के वोटों की आवश्यकता है, वोट लेने के लिए ही सही, कम से कम महिलाओं की याद तो आती है। याद करिए, देश की पहलवान बेटियां न्याय की गुहार लगाती रहीं, प्रधानमंत्री को महिलाएं याद नहीं आईं, लेकिन जब वोटों की बात आती है तो प्रधानमंत्री महिलाओं को हक देने की बात करते हैं। तो इस देश में जब महिलाएं इतनी बड़ी वोटों की ताकत रखती हैं, उसके बावजूद लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाती, एक दूसरे के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाती, तो फिर जरा सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर यदि इस देश के इतिहास में न होते तो आज देश की महिलाओं की स्थिति क्या होती? वैसे हमारे देश में एक महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं, नाम है स्मृति ईरानी। लोग कहते हैं कि वो खुद भी महिला है,
लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महिला होती तो कम से कम महिला होने के नाते ही महिलाओं का दर्द समझती। न तो मणिपुर में महिलाओं की स्थिति पर उन्होंने कुछ बोला, न तो कोई एक्शन लिया, न तो उन महिलाओं से मिलने पहुंची जिन्हें नग्न परेड कराया गया था। मान लीजिए मणिपुर थोड़ा दूर है, दिल्ली में महिला पहलवान महीनों तक धरना देती रही, वहां पर भी नहीं पहुंची। देश भर में आए दिन महिलाओं के साथ जघन्य अपराध होते हैं, लेकिन मैडम का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। एक वक्त में सिलेंडर 10-20-50 रुपया महंगा आ जाए तो लेके सड़क पे कूद जाती थी। वैसे भारत में ज्यादातर महिलाओं के भीतर मानसिक गुलामी की जो बीमारी है अभी भी फैली हुई है, उस पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप महिला हैं तो विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि हर एक महिला के अधिकारों के लिए बोलना शुरू करिए। आप किसी और के लिए बोलेंगे लेकिन भविष्य में वो आपके काम आने वाला है। पुरुषवादी समाज थाली में सजाकर आपके अधिकारों को देने वाला नहीं है, ये लिख कर रख लीजिए। और अब बात कर लेते हैं कि इस तरह की मानसिकता वाले पुरुषों के भीतर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि कहीं भी किसी भी महिला के साथ कुछ भी कर जाते हैं। तो दो चार एग्जाम्पल लेते जाइए। ब्रजभूषण सिंह का मामला तो आपको याद ही है। प्रधानमंत्री और सरकार ने किस तरीके से अपने सांसद को बचाया और अपनी घर की बेटियों को इज्जत को तार तार कर दिया। इसके साथ ही एक वो बाबा है, नाम है राम रहीम, उसको बलात्कार और हत्या के मामले में सजा हुई है, सजा याफ्ता है, दो आरोपी नहीं है, दोषी है। तो उसको जब उसकी इच्छा होती है तब वो पैरोल पर बाहर आ जाता है, फरलो पर बाहर आ जाता है। सरकार का इतना प्रिय है कि कभी भी जब उसका मन हो घूमने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, गाना गाने के लिए, तब वो बाहर आ जाता है। ठीक इसी तरह से BHU में जो कांड हुआ तो उसको याद कर लीजिए। देश भर से तमाम ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, BJP के तमाम ऐसा नेता मिल जाएंगे जिन्होंने महिलाओं के साथ जघन्य से जघन्य अपराध किए, उन्हें समयबद्ध तरीके से सजा नहीं मिली। और सबसे बड़ा उदाहरण बिल्किस बानो का याद कर लीजिए। उनके परिवार के हत्यारों और उनके बलात्कारियों को भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, बरगला कर रिहा कर देती है समय से पहले। ये वो भाजपा सरकार है। तो जब ये सारे लोग देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े बलात्कारियों को कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दिया जा रहा है, भाजपा सरकार झूठ बोलकर बलात्कारियों को छुड़ा रही है, तो फिर हौसला तो रहेगा ही ना, हौसला तो बढ़ेगा। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।